सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास इंग्लिश बुक, दैट इज चैप्टर नंबर 15 एंड नेम ऑफ आवर चैप्टर इज मंथ ऑफ द ईयर। साल में महीने, ईयर मींस साल, मंथ यानी महीने। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मंथ ऑफ द ईयर, यानी ईयर मतलब साल, मंथ यानी महीने, ऑफ मींस में, साल में महीने। हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एक साल में कितने महीने होते हैं, उन महीनों में कितने दिन होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इस चैप्टर का होमवर्क मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी आपके ईयर में मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, उन सभी मंथ को आपको आपकी कॉपीज में लिखना है। जैसे जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी कॉपी में लिखना है और इन सबकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं एक साल में? 12 महीने। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बताओगे? कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अभी इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने यही पढ़ा था, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप बताओगे 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 12, कि मैम एक साल में 12 मंथ होते हैं। दे आर एज फॉलोज, यह जो 12 महीने हैं वो इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं? पहला महीना होता है जनवरी, जिसमें 31 दिन होते हैं। दूसरा महीना होता है फरवरी, जिसमें 28 से 29 दिन होते हैं। तीसरा महीना होता है मार्च, जिसमें 31 दिन होते हैं। चौथा महीना होता है अप्रैल, जिसमें 30 दिन होते हैं। पांचवा महीना होता है मई, जिसमें 31 दिन होते हैं। छठा महीना है जून, जिसमें 30 दिन होते हैं। सातवां महीना है जुलाई, जिसमें 31 दिन होते हैं। आठवां महीना है अगस्त, जिसमें 31 दिन होते हैं। नौवां महीना है सितंबर, जिसमें 30 दिन होते हैं। दसवां महीना है अक्टूबर, जिसमें 31 दिन होते हैं। ग्यारहवां महीना है नवंबर, जिसमें 30 दिन होते हैं। एंड बारहवां महीना है दिसंबर, जिसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। इसकी जनवरी के सामने हिंदी में भी जनवरी, ये दोनों आप कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। फरवरी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे जनवरी उसके सामने हिंदी में, फरवरी उसके सामने हिंदी में, मार्च उसके सामने हिंदी में। तो कॉपी में आप यहां से लेके यहां तक पूरा लिखेंगे और उसको याद करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जो जनवरी है वो साल का पहला महीना है। हाँ बिल्कुल सही है। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर, साल का जो आखिरी महीना है वो दिसंबर है। मई एंड जून आर समर मंथ, जो मई और जून है, मींस ये जो मई और जून का महीना है, इस दो महीने में हमें गर्मियों की छुट्टी मिलती है ना। जुलाई एंड अगस्त आर रेनी मंथ, जो जुलाई और अगस्त है ये बारिश के महीने होते हैं, ठीक है। जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मार्च एंड नवंबर आर प्लीजेंट मंथ, जो मार्च और नवंबर है, मींस ये मार्च वाला महीना और ये नवंबर वाला महीना, ये बहुत ज्यादा प्लीजेंट महीना होता है। प्लीजेंट महीना मतलब बहुत ज्यादा सुहाना मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए नवंबर और मार्च वाला जो महीना होता है वो बहुत प्लीजेंट होता है, बहुत सुहाना होता है। अक्टूबर कम्स बिफोर नवंबर, हाँ बिल्कुल, नवंबर से पहले कौन सा महीना आ रहा है? अक्टूबर आ रहा है, ठीक है। तो जो अक्टूबर है वो नवंबर से पहले आता है। फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी, जो फरवरी का महीना है वो जनवरी के बाद आता है। फरवरी जनवरी के बाद आता है। देखिए जनवरी के बाद कौन सा महीना आ रहा है? फरवरी आ रहा है। वी शिवर विद गोल्ड इन दिसंबर,
कोल्ड इन दिसंबर एंड जनवरी। हम दिसंबर और जनवरी में सर्दी से कपकपाते हैं, ठीक है। शिवर मतलब होता है कपकपाना, जैसे हम शिवर, जब हम हमें सर्दी बहुत लगती है तो हम कपकपाते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिवर होना। तो दिसंबर और जनवरी के महीने में हम सर्दी की वजह से कपकपाते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी टाइप ऑफ डे इन अ ईयर, हम साल में बहुत सारे दिन में जश्न मनाते हैं, जैसे होली का त्योहार आता है किसी दिन दिवाली का त्योहार आता है, किसी दिन आप अपने बर्थडे मनाते हो, किसी दिन आप पापा का बर्थडे मनाते हो। तो ऐसे ही साल के बहुत सारे दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ डे इन अ ईयर, वी सेलिब्रेट मैनी टाइप्स ऑफ डे इन अ ईयर, हम बहुत सारे दिन एक साल में जश्न के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। हम एक वर्ष में दिनों का कई प्रकार का जश्न मनाते हैं। फर्स्ट यानी पहला, प्रथम, आप भी क्लास में मेहनत कीजिए ताकि आप भी फर्स्ट आओ, तो फर्स्ट यानी प्रथम। लास्ट यानी अंतिम, मंथ मतलब महीना, ईयर यानी वर्ष, समर यानी गर्मी, रेनी मतलब बरसात, बिफोर यानी पहले, आफ्टर मतलब बाद में, सिल्वर यानी सिवर यानी कापना, वो कोल्ड यानी सर्दी, सेलिब्रेट मतलब मनाना। ये जो मंथ है ये आपको भरने हैं। फर्स्ट मंथ कौन सा है, जनवरी। लास्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर। कितने महीने होते हैं साल में, 12, ठीक है। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना जनवरी। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का आखिरी महीना दिसंबर। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ हैं, 12। ये जो फिलिंग द ब्लैंक से ये आपको खुद भरना है। जनवरी ये कौन सा महीना है, अप्रैल, मार्च, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर। यहाँ पे आप सितंबर की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ कौन सा है ईयर का, जनवरी। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर। फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का फिफ्थ मंथ कौन सा है, यहाँ चार्ट में काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ महीना कौन सा है, मई। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ मंथ कौन सा है, मई, ठीक है। ये आप मैच करेंगे, अप्रैल में कितने महीने हैं, जनवरी में कितने महीने हैं, तो ये आप मैच करेंगे, ठीक है। इसको आपको मैच करना है, कौन से महीने में कितने मंथ है वो आप यहाँ इस चार्ट में देखेंगे, ठीक है। अप्रैल में 30 महीना है, तो वैसे आप मैच करेंगे, अप्रैल को 30 से मैच करेंगे, तो ये आप खुद करेंगे। यहाँ पे क्लीन में आईएनजी लगा के यहाँ पे आपको वर्ड लिखना है, ठीक है। क्लीन में आईएनजी लगा के क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे क्लीनिंग, सी एल ई ए एन आई एन जी, ठीक है। इसी तरीके से स्लिप और फिर उसमें आई एनजी लगा के यहाँ लिख दोगे, वॉक उसमें आई एनजी लगा के यहाँ लिख दोगे, तो ये आपको खुद भरना है, ठीक है। मैच द अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड मैच करना है। बैड, गुड, गुड का उल्टा क्या होता है, बैड। मॉर्निंग का उल्टा इवनिंग, अपोजिट यानी उल्टा। सम यानी कुछ, कुछ का उल्टा मैनी यानी कई, बहुत सारे। क्लीन यानी साफ, साफ का उल्टा डर्टी, ठीक है। तो क्लीन को आप इसके साथ मैच करेंगे, क्लीन को आप मैच करेंगे इसके साथ, मॉर्निंग को आपने मैच किया इसके साथ, गुड को आपने मैच किया इसके साथ, और सम को आपने मैच किया इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे आप मैच करेंगे। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये एक्सरसाइज भरना और जनवरी फरवरी अपनी कॉपीज में पूरा लिखना और उसे याद करना, वो आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, थैंक यू।